के लिए। एक तो गाइस ये बर्तन धोने का सिस्टम ना मुझे पता नहीं कब ये ठीक करवाएंगे। मुझे काले आते हैं बर्तन, मैंने अभी नहीं कब बहुत देर का धो रखे हैं, पर यही है कि बच्चे फिर वो खाने के लिए रो रहे थे, बच्चों के पैर मजबूत कैसे होंगे, हम लोगों ने कौन सा चप्पल थोड़ी पहने, मैं तो नंगे पैर भाग जाती थी वो हाथ से, वो अब मेरे घर कहाँ पे और मैं कहाँ पे, इतने दूर दूर हम चले जाते थे। ये देखो आधा घंटा हो चुका है बेचारी रसोई में खड़े खड़े, और तब से देखो गैस साफ कर रही है। यार ये क्या हुआ, ये बंडल भी खराब है क्या? और क्या अरे यार चलो मैं इसको आज लेके आऊंगा यार, मैंने तो आज ही नोटिस किया इस पे, देखो बाबू के टी शर्ट कपड़ा ही नहीं था, तो फिर ना सारे बटन धो जाके रख लिए उन्होंने, मेरा काम बहुत हल्का हो जाता है। देखो गाइस पर ये देखो कि दिक्कत कितनी हो रही है बटन धोने में, ना पानी यहाँ पे है नहीं, इससे धोना पड़ रहा है, अब फिर दोबारा इसे इसको धोएंगे और फिर यहाँ पे हाथ पे हाथ उबाल भी रहे हैं। बच्चे को आपका मुंह देखो कितना गंदा, आम रोटी खा के कितना गंदा कर रखा है, ऐसे आप सो गए थे, मम्मा ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। गुड्डा वाह वाह, यहाँ पापा की लाडली और पापा जी को देखो। हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप सब लोग बहुत मस्त होंगे स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में, अयो कल से लाइक्स बढ़ते। तो गाइस अभी मैं, मेरे बच्चे सोए हैं और बस सोने के बाद तो सारा काम है, सारा काम मुझे याद आ जाता है सारे। देखो मैं दिखाती हूँ यहीं से, अंदर नहीं जाऊँगी वरना बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो देखो सब सो रहे हैं और मैं चलती हूँ अपना काम कंप्लीट करने के लिए। एक तो गाइस ये बर्तन धोने का सिस्टम ना मुझे पता नहीं कब ये ठीक करवाएंगे, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं बर्तन नीचे धो धो के परेशान हो गई हूँ। ये देखो कहाँ धोने पड़ते मुझे बर्तन, बोला है कि जल्दी से ठीक कर, जल्दी से ठीक कराओ। एक तो मेरे बच्चे पता नहीं चप्पल उठा उठा के कहाँ रख देते हैं, नहीं चप्पल उठा उठा काले आते हैं बर्तन, मैंने अभी नहीं कब बहुत देर का धो रखे हैं, पर यही है कि बच्चे फिर वो खाने के लिए रो रहे थे, तो फिर मैंने उनको अभी रोटी दूध और मैंगो बनाना वो सारे मिक्स करके तो मैंने उनको दिया खाने के लिए, और वो भी खा पी के सो गए। अब उठेंगे तो मैं उनको बाहर खिलाने के लिए लेके जाती हूँ डेली, खिलाने टाइम पे गाइस मैं शूट इसलिए नहीं कर पाती, और बहुत लोग के कमेंट आ रहे हैं कि आप बच्चों को ऐसे छोड़ देते हो बाहर रोड पे, मतलब चप्पल नहीं पहनते और क्या कहते हैं बाहर नीचे बैठ रहते हैं, तो गाइस ये चप्पल वो मैं उनको पहनाते खोल खोल के भाग जाएंगे, और पता क्या वो नीचे का घर है ना, तो अब जब मैं अगर काम कर रही हूँ तो जब मैं इतना बाहर निकल के चले जाएंगे बच्चों से खेलने के लिए, और वैसे भी थोड़े से नंगे पाँव भी रहना चाहिए, बच्चों के पैर मजबूत कैसे होंगे, हम लोगों ने कौन सा चप्पल थोड़ी पहने, मैं तो नंगे पैर भाग जाती थी वो हाथ से, वो अब मेरे घर कहाँ पे और मैं कहाँ पे, इतने दूर दूर हम चले जाते थे। अब खैर हमारे टाइम की बात कुछ होती है अब तो, पर ठीक है मैं ज्यादा दूर नहीं जाते गली घर पे, हमारे बच्चे खेल रहे होते हैं और मेरी पूरी नजर रहती है बच्चों पे, जैसे कहीं यहाँ दूर ना जाए, और मेरे घर से लेके और यहाँ आगे तक पूरी रोड जो हम सुबह साफ करते हैं, मेरे आसपास दो तीन घर हैं वो भी झाड़ू लगाती, मैं भी लगाती हूँ, साथ वाले भी लगाते हैं, बकायदा झाड़ू लगा के बाहर पानी डाल के अच्छे से धो के तब हम डेली धोता हूँ बाहर, तो बच्चों को खैर चुपता उपता नहीं है, बहुत अच्छे से रहते हैं। और गाइस एक चीज और, मेरा जो है यूट्यूब चैनल जो है उसके वाला जो हिंदी का मस्त वाला जो चैनल है आप सबको पता है वो मेरा चैनल है, तो उस पर भी जो है वो दो आप इससे पहले मैंने आपको बताया था कि उस पर रीयूज कंटेंट आके वो जो चैनल है डीमोनेटाइज हो गया है, सो वो सेम प्रॉब्लम वो अभी दोबारा आ गई मेरे साथ, अभी तो स्टार्ट ही हुआ था जिससे कि अर्न करना स्टार्ट किया ही था, कि मतलब इस मंथ की पेमेंट आने वाली थी, पर उससे जो है वो दोबारा डिमोनिटाइज हो गया है, दोबारा से रियूज कंटेंट इस पे आया है, मुझे नहीं पता कि कौन से वीडियो से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं सोच रही थी कि जो कोई अच्छा यूट्यूबर हो जो कि सही सब्सक्राइबर वाले हो उससे मेरी बातचीत हो थोड़ी, मैं उनसे कुछ पूछूं मतलब उनसे कुछ नॉलेज दूं कि वो मुझे बताए कि भाई क्या दिक्कत आ रही है कहाँ नहीं आ रही, तो पूरा ट्राई है मैं देखूंगी किसी से ताकि जिससे मेरी बात हो पाए उस चैनल के लिए मुझे हेल्प मिल पाए, तो देखो और आप सब भी प्लीज प्रे करो कि वो चैनल मेरा जल्दी से मतलब मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि एक हमारा यूट्यूब ही है जिसकी वजह से हम अर्न कर रहे हैं, दो चैनल है दोनों से उसी से जो पेमेंट आती है उससे हमारा सब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो ठीक होता है, और इनका भी काम आपको पता है कि अभी कुछ ज्यादा खास चल नहीं रहा,
तो थोड़ा बहुत ही चल रहा है, तो प्लीज प्रे करो कि हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से वापस आ जाए ताकि आप सबको उस पर भी ब्लॉग देखने को मिलता रहे कंटिन्यू। अब देखो कोशिश तो पूरी है उसको मैं ठीक करने की। ये देखो आधा घंटा हो चुका है बेचारी रसोई में खड़े खड़े, और तब से देखो गैस साफ कर रही है। यार ये क्या हुआ, ये बंडल भी खराब है क्या? और क्या आप कितने टाइम से बोल रहे हो? चलो मैं इसको आज लेके आऊंगा यार, मैंने तो आज ही नोटिस किया इस पे। देखो बाबू के टी शर्ट रसोई में कपड़ा ही नहीं था, तो फिर ना मेरे को ना ये मतलब छोटा हो गया, आता भी नहीं है उसको। मैंने कहा कपड़ा क्या करूँ, पड़े पड़े इतना तो बच्चों के कपड़े से परेशान हूँ, इतने सारे कपड़े ही कपड़े अलमारी में, जगह नहीं मिलती कपड़े रखने की। तो मैंने उसमें से एक निकाला। भाई आप सर्दियों में इसके सारे कपड़े नए आएंगे, सारे हट जाए, क्योंकि सारे ना छोटे हो गए सारे कपड़े। कुछ तो मैंने एनजीओ में दे दिया बच्चों के कपड़े जो थे, वो तान्या ने के इधर से तान्या बुलाया था, तो उसको दे के एनजीओ में चले गए थे काफी कपड़े। तो फिर कुछ ये एक दो टी शर्ट रह गई थी, तो मुझे लगा था ये आ जाएगी गुड्डों में आ जाएगी, पर नहीं, ये बाजू पे सब फट रहा था। तो फिर मैंने कहा यार क्या करूं, मैंने कहा चल रसोई में थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं, खड़े काम हो रहा है, बर्तन भी धुल जाता है, फिर वहाँ छोड़ के स्पेशल बैठा रहना पड़ता है, तो फिर बच्चों को भी देखना। अब मैं भी काम पे रहता हूँ तो उसको जब टाइम मिलता है। जब गाइस आप लोग बहुत प्रे करते हो ना कि हमारे भी अपना घर हो जाए, हमारा भी अपना घर हो जाए, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है वो कमेंट पढ़ के जिसमें आप लोग ये बोलते हो कि हम दुआ करेंगे कि आपका भी अपना घर हो जाए। और पहले तो एक बार जब मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने कहा था कि मेरी एसी नहीं लगा हुआ, तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे, तो किसी एक का कमेंट ऐसा आया था कि अगर हम सब मिल के भी इनकी हेल्प करेंगे तो इनका एसी लग जाएगा। तो मुझे वो कमेंट पढ़ के ना मुझे इतनी खुशी हुई थी, शायद वो बंदा अगर मेरे ब्लॉग देख रहा हो, मतलब देख रहा है या देख रही है, जो भी है, गर्ल है या मेल है आई डोंट नो, पर जो भी है, तो उनके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई थी। और अगर वो व्यक्ति देख रहे हैं तो आप भी खुश हो जाओ कि मुझे बहुत खुशी हुई थी कमेंट पढ़ के। पर हाँ मुझे ये लगा था कि यार मेरे जो सब्सक्राइबर है ना वो मेरे को लेके ना बहुत ही मतलब ऐसे हैं कि बहुत प्योर दिल के हैं, कि मतलब मेरे को मैं दुखी होती हूँ तो ऐसे लगता है वो दुखी हो रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरी जो इतनी फैमिली है मुझे इतना प्यार कर रही है। तो गाइस इसके लिए दिल से थैंक यू आप सबको कि मुझे आप इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाते रहोगे तो देखो, क्योंकि आप सबके सामने आप लोगों ने देखा है कि मेरे को कितने घर मैंने चेंज कर चुकी हूँ। पहले नोएडा से यहाँ आई थी तान्या के घर पे, तान्या के घर से फिर वो उसी गली में फिर दूसरा घर लिया, तो उसके बाद फिर मैंने ये तीसरा घर लिया। तो देखो पता है क्या, कई लोग तो कह देते हैं कि आप बार बार रूम चेंज कर रहे हो आपको दिक्कत नहीं होती, क्या दिक्कत तो कितनी हो रही है, आप सबको ही सोच सकते हो। तीन बच्चों का रूम चेंज करना कोई मामूली बात तो है नहीं, और ना हम कोई लेबर बाहर से बुलाते हैं कि हाँ भाई हमारा सामान शिफ्ट करवा दो, वो भी हमें खुद करना पड़ता है, क्योंकि लेबर आएंगे तो उनको भी चार्जेस दो, फिर ये तो ऐसा लगता है पैसे ही वेस्ट हो रहे हैं, जो कि पैसे है भी नहीं, फिर और वेस्ट करते रहो, तो फिर वो उसमें हम बुलाते नहीं है, तो इसलिए हम खुद ही सामान शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आए हैं, आप देखो मैं तो भगवान से मैं डेली प्रे करती हूँ कि भगवान एक छोटा सा घर दे दो, पर अपना घर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमें किराए मकान पे इधर उधर 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 भटकना पड़ता है सामान। गाइस अभी अभी जब ब्लॉग शूट हो गया था तो उसी बीच में कॉल आई थी, तो प्रॉपर्टी के लिए कॉल कर रहे थे मुझे कि मैडम एक प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट, अभी मैं मतलब प्रॉपर्टी के लिए बोल ही रही थी कि मेरा अपना घर हो जाए, और साथ ही कॉल भी आ गया कि मैडम ग्रेटर नोएडा में जमीन कट रही है, वो आपको चाहिए तो बता देना। मैंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं अभी ये बोल के मैंने फोन काट दिया, कह रहे ओके मैडम, मैंने कहा ठीक है धन्यवाद। पर गाइस क्या मम्मी को ना अपना घर जब जैसा हो जाए, छोटा हो जाए, मुझे बड़े की नीड नहीं है, छोटा हो जाए मैं छोटे में खुश रहूँगी। कम से कम ये तो नहीं होगा ना कि बार बार चेंज करो, चेंज करने का झमेला क्योंकि मेहनत लगती है। अभी साफ करो एक घंटे बाद फिर वही घर हो जाता है, डेली का काम है बच्चों के लिए, खासकर ना मेरे दोस्तों एक घंटे जो ना बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा अभी उठेंगे तो फिर कुछ मांगेंगे, कभी पानी पी रहे हैं, एक बार पानी पी रहे तो तीन गिलास गंदी होती है, फिर बच्चों के लिए बनाने जाओ बाहर से आती है घर आके कहती है अभी तो साफ देगा, दो घर में कहेंगे अभी तो घर साफ देखा था मैंने, बिल्कुल चमकता हुआ फिर गंदा हो गया। अब कहते हैं यार बच्चे वाला घर में ऐसे ही होता है, तो क्या करें। सुनो जी अब आपका काम है बोतल धोने का, वो भाई का बहुत बोतल है तो
बच्चों की बोतल है, बहुत क्या होता है बच्चों के मामले में, इसलिए बोलते हैं कि बहुत बोतल है। मतलब कहने का मतलब है भाई थोड़ा बहुत धो दो बोतल, थोड़ा बहुत क्या धो दो, मेरे तो काफी सारे काम हो जाते हैं, थोड़े बहुत आपको हेल्प करोगे ना तो मेरी तो करता तो हूँ ना। हाँ तो बोतल धो देना, थोड़ी से और हेल्प कर देना। तो ऐसा करो बोतल ढक्कन में धो दो, बोतल तुम धो दो। अच्छा ढक्कन आप धोगे, बोतल मैं धोगी। और क्या धो जाएगा, मैं तो नहीं कहती बर्तन मैं मान के रख देती हूँ, धो के आ जाना। तो मैंने तो बोला था कल आपको, पर आपने माना नहीं। तो वैसे अब थोड़ा सा सही हो गया है साफ, ये देखो तो गाइस गुड्डो भी उठ चुकी है, आप गुड्डो को भी जाएंगे नहलाने धुलाने के लिए। और ये देखो मेरे पति देव को बोला था कि आप बोतल धो दो। गाइस सबके हस्बैंड सपोर्टेड हो तो घर बहुत ही अच्छे से, घर गृहस्थ बहुत ही अच्छे से चलता है। और अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, कोई भी काम बोलती हूँ ये मना नहीं करते हैं। देखो बोतल धोने के लिए बोला था तो बहुत ही सारे बोतल धो जाके रख लिए उन्होंने, मेरा काम बहुत हल्का हो जाता है। देखो गाइस पर ये देखो कि दिक्कत कितनी हो रही है बोतल धोने में ना, पानी यहाँ पे है नहीं, इससे धोना पड़ रहा है। अब फिर दोबारा वहाँ पानी लेने जाएंगे तो दोबारा साफ पानी से उसको धोएंगे, और फिर यहाँ पे हाथ पे हाथ उबाल भी रहे हैं। हाइजीनिक का पूरा मेंटेन रखते हैं हम, क्योंकि उबलना ही बहुत ज़रूरी होता है ना। सारी बोतल बोतल तो खैर डेली उबालते हैं, अभी सारे धोएंगे फिर साफ पानी से धोएंगे। वो वाली बोतल कौन धोते हैं, तो एक काम करो फिर उसको हटा ही देते हैं वहाँ से, है ना, फेंक दो उसको, ला दो सीरियसली, उसमें ना निकलता भी तो वैसे बोतल को रिजेक्ट, ये बोतल रिजेक्ट कर देते हैं। वहाँ पे रख के कोई फायदा नहीं है ना, भीड़ जमा हो रखी है गंदा। सुनो जी आपको कितनी दिक्कत होती है बोतल धोने में, अरे आप इसको धोता के हटा देता सारी पानी का यही तो है ना। अब क्या बोले, हम उनको बोल तो रखा हमने पानी ठीक कराने के लिए, अब वो जल्दी से पानी ठीक कराए तो फिर सही हो, मतलब बहुत कम हल्के हो जाता है। अगर यहाँ पे जैसे बर्तन वर्तन नहीं है तो हाथ के यहाँ धो ले, बॉटल है तो हाथ के यहाँ धुल जाए, पर यही ना क्या गुड्डा बच्चे को आपका मुँह देखो कितना गंदा है, आम रोटी खा के कितना गंदा कर रखा है। ऐसे आप सो गए थे, मम्मा ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। गुड्डा स्माइल तो कर दो बेटा, गुस्से में अभी नंदा भी सो के उठी है ना, इसलिए गुस्से में मैं बच्चा। तो गाइस फटाफट बोतल, अब गुड्डो तो उठ चुके हैं, वो दो के उठने से पहले मैंने यहाँ पे तो सारा साफ कर दिया। अब बस झाड़ू वाड़ू लगा दो फटाफट से और वॉशिंग में गेट करूँ बंद। गुड्डा अब गिरना नहीं, ओके गिर जाती, ये देखो कहाँ से पानी लेके जाना पड़ता है बार बार, तो यहाँ से फिर वहाँ लेके जाएंगे फिर वहाँ पे धोएंगे, ये दिक्कत होती है। तो चलो गाइस फटाफट से उनके उठने से पहले मैं जो है बाकी का काम कर लूँ। इसमें सारे कपड़े धुले हुए रख रखे हैं, इसको सुखाने हैं, टाइम कम था तो इसलिए मैंने बच्चे उठ जाते तो सारे कपड़े धुले हुए हैं, इसे को सुखाने वाले रखे हैं बस। तो चलो गाइस फटाफट से, सुना बोतल धो लो मैं जा रही हूँ, बाकी का काम कंप्लीट कर लेते हो। ओके बहुत लोग आपसे कहते हैं आपके पति तो दिखते नहीं, आपके पति तो दिखते नहीं ब्लॉग में, ऐसे काम पे चले जाते ना, और काफ़ी लोग कह भी रहते हैं कि भैया काम क्या करते हैं, भैया काम क्या करते हैं। तो आज मैं आप सबको बता ही देती हूँ कि हमारा जब चैनल बंद हो गया था तो इन्होंने ये जो है वो इंस्टा मार्ट पे लगे हुए थे, जो हमारी गली के बाहर ही इंस्टा मार्ट वाले हैं, स्विगी इंस्टा मार्ट, उस पर लगे हुए थे। देखो इस काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, कहीं कोई लोग सोचे कि ब्लॉगर हो के भी वो स्विगी में इंस्टा मार्ट वाले काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बंदा मेहनती होना चाहिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बच्चों का दूध पानी का खर्चा चलता रहता है उस स्विगी वाले से भी। तो इसलिए मैंने क्योंकि देखो हम एक के सहारे नहीं बैठ सकते, अब वो यूट्यूब का क्या है महीने में अगर पेमेंट आएगा, बच्चों का दूध पानी का खर्चा तो डेली का होता है ना, तो इसलिए इन्होंने ये इंस्टा मार्ट पे लग गए थे ताकि जो है दूध पानी का खर्चा डेली चलता रहे, वो बंद ना हो। तो फिर चलो गाइस बहुत देर हो गई, बहुत बातें हो गई, बातें करते रहेंगे तो काम कम होगा। वाह वाह यहाँ पापा की लाडली और पापा जी को देखो, अभी तो मम्मा से बातचीत नहीं हो रही थी है, पापा के साथ बनाना खाया जा रहा। बोल दिया अपने खा रही है तो खा रही थी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी,
अच्छा खा लो खा लो खा लो खा लो। वाह टोकाइन हो गए जैसे। अच्छा ठीक मम्मा जा रही है, मम्मा जा रही है, बाहर कपड़े सुखाने जाती है। नहीं खाऊ मैं चली जाऊंगी ना गाइस, तब खाएगी, मेरे आगे नहीं खाएगी। मैं यहाँ सुखाती कपड़े भी, यहाँ पे हम दो तीन रस्सी बांध देते ना, यहीं पे कपड़े सुखा देती हूँ बच्चों के। क्या कह रहे हो? चलाना है, म्यूजिक चलाना है। क्या हुआ आपको भी नीचे जाना है? आ जाओ ये। तो गाइस देखो इसका हो रहा खेलना, अभी मैं लगा रहा था कपड़ों के, देखो तो कपड़े खराब करने के लिए जा रहा था। वो बंद करना पड़ेगा अंदर का। अभी अभी रूम साफ किया है मैंने, अभी अभी मैंने कहा था झाड़ू लग गया पोछा और लगा देती हूँ। वहां देखो एक दूध की बोतल वहां गिरा दी, एक कपड़ा यहाँ फेंक दिया, ये हाल है। बेटा मार मत देना आप मत, दोनों आराम से देखा। मैं भी फील्डिंग कर, फील्डिंग कर, फील्डिंग कर, फील्डिंग कर। ओए लाइट जल गई, लाइट जल गई, रसोई की लाइट जल गई। फेंको फेंको फेंको, उठाओ उठाओ। अरे आप बैठ क्यों बोलो बेटा, कहाँ गया? बोल कहाँ गया, बोल कहाँ गया, उधर है, किधर है, बोल वहाँ कहाँ पे, कहाँ पे है, बोलो कहाँ 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 रख दिया आपने, बोल कहाँ गया, कहाँ गया, बॉल मिल गया काका। बॉल लेने जा रहा है वो, बार बार बैट से मार के हटा देता उस जगह से। ओ मार मैं उसको दोबारा मारती हूँ। ये ये ओ भाई उसके नीचे कोई ये भी बेचैन हो रहा नीचे जाने के लिए कि जल्दी से इसको कपड़े पहनाओ और ये भाई ये भी खेलने के लिए। अब गुड्डी दौड़ से बॉल फेंकेगी और गुड्डी सुनो मैं से कर रही ना सर सर, तो कह उधर उंगली दिखा रहा, देखो 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 गाइस सब गाइस आ रहा है कि ये म्यूजिक चला देने के लिए। हां देखो सब कह रहे हैं म्यूजिक चलाओ भाई, म्यूजिक चलाओ, मजा नहीं आ रहा कि मैं म्यूजिक के मामा। हां म्यूजिक चला है गौरव, क्या म्यूजिक चलाना है, किसको को चलाना है बताओ, हाथ उठाओ। हाँ तुम्हें तुम्हें चलाना है, एक पार्टी तो उठा दे दूसरी पार्टी, हाथ उठाओ किसको को चलाना है। ले कह रहा मैं बैठ ही जाता हूँ यार, यहीं पे बैठता हूँ मैं। बंद कर दो गेट, बंद कर दो, सीधा बंद करो। हाँ कपड़ा है ना यहाँ पे इसलिए बंद नहीं होगा बाबू। गाइस कपड़े की तह लगा दो फटाफट।